ये पराठा टेस्टी और चटपटा होने के साथ साथ पौष्टिक गुणों से भरपूर भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सबसे पौष्टिक और स्वादिष्ट मोरिंगा के पत्तों का पराठा। इसे मैंने सबसे यूनिक और आसान तरह से बनाया है। आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सहजन के पत्ते का बहुत ही टेस्टी और चटपटा पराठा। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ढेर सारा मोरिंगा का पत्ता लिया है। ये इस तरह के होते हैं और इसमें पतले पतले डंठल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सारे पत्ते अलग कर लेंगे और इसके डंठल हटा देते हैं। इसमें कुछ इस तरह के पीले पत्ते हैं, इसे निकाल देंगे और इसके हरे हरे और अच्छे पत्ते निकाल कर अलग कर लेते हैं। सहजन के फल जितने फायदेमंद होते हैं, उससे कहीं ज्यादा इसके पत्ते और फूल भी फायदेमंद होते हैं। सहजन की पत्तियों में विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे कई तत्व पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियों का पानी पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अब यहाँ पर मैंने सारे पत्ते निकाल कर अलग कर लिए हैं, तो बस अब इसे काट लेते हैं। इसे काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत छोटा छोटा रहता है, लेकिन फिर भी ये आसानी से कट जाता है। इसे इस तरह से काटे तो भी ये आसानी से कट जाएगा। तो अब इसी तरह से सारे पत्ते काट लेते हैं, और ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। सारे मोरिंगा के पत्ते कट गए हैं, तो बस अब इसे 2-3 बार अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं, जिससे इसमें जो भी गंदगी हो निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 हरा मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, 4-5 कलियाँ लहसुन का लिया है, इसे खलबट्टे में डालकर दरदरा कूट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा और टेस्टी करने के लिए इसमें 1/2 कप बेसन डाल देते हैं। 1 प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे डाल देते हैं। इसे जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है, इसे डाल देते हैं। लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह से कूट कर डालने से पराठे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे पराठे का कलर अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसी के साथ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसी के साथ 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर इसमें जरूर डालिएगा, थोड़ा सा खट्टा डाल देने से सहजन के पत्ते का कड़वाहट कम हो जाता है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या फिर दही भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, तो 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सहजन के पत्ते को मैंने 2-3 बार अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, तो अब सारे पत्ते थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं। इसमें से सारे पानी मैंने छान कर निकाल दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पहले इसे ड्राई ही मिक्स करेंगे क्योंकि सहजन के पत्ते में भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, तो पहले इसे ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। इसका आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, जैसे नॉर्मल पराठे के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका भी आटा लगाएंगे। और ये देखिए, अब मैंने इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है। तो अब इसे इसी तरह से ढककर 5 मिनट रख देते हैं, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाए। इसे रखे हुए 5 मिनट हो गया है, तो अब एक बार इसे थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और एक इसकी बड़ी सी लोई बना लेंगे। इसे गोला करेंगे और इसे अब चपटा कर देते हैं। इसी तरह से और भी 1-2 लोई बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा 2 लोई बनकर रेडी हो गया है, तो अब इसमें से 1 लोई लेंगे और इसे चकले पर रखकर थोड़ा सा दबा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, आप चाहे तो इसमें घी या फिर ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं। अब इसे बेल कर बड़ा कर लेते हैं, इसे रोटी से थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। आप इसे छोटा बड़ा जैसा चाहे बना लें। और ये देखिए, इसे बेल कर मैंने बड़ा कर लिया है और अब ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया है। और इसकी थिकनेस देखिए, इसे मैंने कितना मोटा बेला है। तो अब इसे हम रख देते हैं और इसी तरह से और भी पराठा बनाकर रेडी कर लेते हैं। 1 लोई लेंगे, इसे चकले पर रखकर थोड़ा सा दबा लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे। अब इसे बेलकर बड़ा कर लेते हैं। अब ये हमारा दूसरा पराठा भी बनकर रेडी हो गया है, तो अब इसे भी रख देते हैं और इसी तरह से और भी पराठे बेल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 पराठे बेलकर तैयार कर लिया है, तो बस अब इसे सेक लेते हैं।
अब यहाँ पर गैस पर मैंने तवा पहले से गरम होने के लिए रख दिया था। तवा अच्छे से गरम हो गया है तो अब इसमें पराठा डाल देते हैं और इसे इसी तरह 2 मिनट छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया है तो अब इसे धीरे से पलट देंगे और इसमें ऑयल लगाएंगे या फिर घी लगाएं, जो भी लगाएं। अब ये एक तरफ हो गया है तो इसे धीरे से पलट देते हैं और दूसरे तरफ भी घी लगा देते हैं। अब इसे उलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब इसमें दोनों तरफ से चित्तियाँ पड़ गई हैं और ये अच्छा क्रिस्पी भी हो गया है। बस अभी हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं और इसी में और भी पराठे डालकर सेक लेते हैं। पराठा डालेंगे, 2 मिनट छोड़ देंगे। अब इसे धीरे से पलट देते हैं और इसमें ऑयल लगाएंगे। अब इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और फिर से तेल लगाएंगे। अब इसे उलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए, अब दूसरा पराठा भी बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से और भी बना लेते हैं। मोरिंगा के पत्ते का गर्मा गर्म पराठा सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी, सब्जी, दही किसी के भी साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये पराठा आपको खाने में कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।